यूपी के यादव मतदाताओं को लेकर छिड़ी जंग। एक ओर अखिलेश यादव तो दूसरी ओर मोहन यादव। अखिलेश यादव का मोहन यादव को लेकर तंज करना पड़ा भारी। लखनऊ में लगे पोस्टर की अखिलेश यादव माफी मांगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पोस्टर लगे हैं और पोस्टर में अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात कही गई है। यदि अखिलेश यादव ने यादव समाज से माफी नहीं मांगी तो भाजपा यूपी में यादव समाज के साथ लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि यादव समाज को हमेशा यूपी में समाजवादी पार्टी का वोट माना गया है, लेकिन क्या यूपी में भाजपा के मोहन फार्मूले से अखिलेश यादव का कोर वोट टूटने लगा है? क्योंकि यूपी की जिन सीटों पर यादव वोट निर्णायक है, या यूं कहें कि यूपी में जो यादव बेल्ट है उसे भाजपा जीतेगी, या बेल्ट में क्या बदलाव होने वाले हैं और कैसे, आइए इसे समझते हैं। पहले देश के राज्यों के आंकड़े समझ लेते हैं। बिहार में लोकसभा सीट 40, यादव 14%। यूपी में लोकसभा सीट 80, यादव 9%। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29, यादव 10%। हरियाणा में लोकसभा सीट 10, यादव 10%। देश में ये है यादवों की सियासी ताकत का आंकड़ा। यादव की ताकत इन राज्यों से भी आगे जाती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान से लेकर असम और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक यादव मतदाताओं का असर पूरे भारत में है। परंतु देश में एक यादव मुख्यमंत्री है और वो है मोहन यादव। और लोकसभा चुनाव में यादव वोट को साधने के लिए भाजपा ने मोहन फार्मूला तैयार कर लिया है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने यादव लीडर तैयार कर लिए हैं। यदि पिछली कुछ खबरों को देखें तो भाजपा में यादवों की मौजूदगी दिखेगी। भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव को ग्राउंड पर एक्टिव कर दिया है। मोहन यादव यूपी से लेकर तेलंगाना तक दौरे कर रहे हैं और बिहार में सरकार बनते ही भाजपा ने नंदकिशोर यादव को विधानसभा का स्पीकर बनाया। जब मामला किसानों का आया तब भाजपा ने एक और यादव को सामने खड़ा कर दिया। मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसानों से बातचीत करने गए। इतना ही नहीं, भाजपा से जुड़ा एक और यादव नाम जो आजकल खूब चर्चाओं में है और वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव का नाम राज्यसभा की सूची में रिपीट नहीं हुआ, परंतु चर्चा है कि भूपेंद्र यादव को राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। आपको बता दें कि यादव मतदाताओं को लेकर विपक्ष भी तैयारी कर रहे हैं। बिहार के सरसहा में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंची तब राहुल के चुनावी रथ के साथ ही तेजस्वी यादव मौजूद थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का जब अमेठी आगमन होगा तब राहुल के साथ अखिलेश यादव भी नजर आएंगे। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की यादव बेल्ट के बारे में, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव की साख दांव पर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर यादव मतदाता प्रत्याशी की हार व जीत का फैसला करते हैं। इटावा, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फैजाबाद, संत कबीर नगर, बलिया, जौनपुर और आजमगढ़, ये सारे समाजवादी पार्टी के गढ़ हुआ करते थे। परंतु यहाँ की रणनीति और राजनीति बदलने लगी है। इटावा लोकसभा सीट अभी भाजपा के पास है, बदायूं भी भाजपा सांसद हैं, मैनपुरी में अभी सपा की डिंपल यादव हैं, तो वहीं फैजाबाद में कमल खिला है। संत कबीर नगर में भाजपा की जीत हुई तो बलिया मोदी में है। जौनपुर में हाथी से श्याम सिंह यादव हैं। आजमगढ़ सपा के हाथ से चली गई, वह भाजपा की है। इन सभी सीटों पर यादव मतदाता हार व जीत तय करता है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव इन 9 सीटों में से लगभग 7 सीटों पर अपनी साइकिल चलाना चाहते हैं। वहीं भाजपा को 80 में से 80 करने के लिए 9 में से 9 लाना ही होगा और इसका पूरा फार्मूला भाजपा के पास तैयार है। भाजपाई अपनी हर सभा में राम मंदिर हमने बनवाया इसका जिक्र कर रहे हैं और अब कृष्ण का भी काम हम ही करेंगे।
भाजपा की ओर से चुनाव में मथुरा मेन मुद्दा होने वाला है, ये सूत्र बताते हैं। आपको ये भी बता दें कि यूपी का यादव श्री कृष्ण से अपने आप को कनेक्ट करता है, वो खुद को श्री कृष्ण का वंशज मानता है, परंतु सपा मुखिया इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि यूपी में मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बदायूं में यादव मतदाताओं का दबदबा है। इन क्षेत्रों में यादवों की आबादी लगभग 20% है और भाजपा ने इनमें सेंध मारने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को सक्रिय कर दिया है। अब आपको ले चलते हैं मुख्य खबर की ओर। दरअसल 13 फरवरी को मोहन यादव पहली बार यूपी प्रवास पर आजमगढ़ पहुंचे और भाजपा के कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि आजमगढ़ क्लस्टर में 5 लोकसभा सीटें हैं, आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और सलेमपुर। आजमगढ़ की भाजपा बैठक में मोहन यादव ने ना तो भाजपा सरकार का नारा लगाया बल्कि यादवों से अपना इमोशनली नाता बनाया। उत्तर प्रदेश के मेरा पहला प्रवास आजमगढ़ का है। मैं यहाँ मेरे तो इसलिए और गौरव की बात है कि 200-400 साल पहले मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज यहीं से गए थे, तो आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आकर के अत्यंत आनंदित भी। मोहन यादव के यूपी आने पर सपा मुखिया को मानो टेंशन सी हो गई और मोहन यादव को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कस दिया, परंतु इसका जो रिएक्शन हुआ उसकी उम्मीद शायद अखिलेश यादव को भी नहीं थी और यादव ही अखिलेश यादव से नाराज हो गए और अखिलेश यादव माफी मांगे ये नारे गूंजने लगे और पोस्टर वार छिड़ गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम महत्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टर लगाए गए हैं। हमारी स्क्रीन पर आप जो पोस्टर देख रहे हैं ये पोस्टर हजरतगंज के मलकी इलाके का है। ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के MLC सुभाष यादव की ओर से लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि देश के इकलौते यादव मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के लिए अखिलेश यादव पूरे यादव समाज से अविलंब माफी मांगे। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक, और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।